इस जगह को आई थिंक मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंट है कितना ज़्यादा चौड़ी हुई है नदी। आई थिंक ये हमारा डिवाइडर था रोड का, जहाँ से हम आते थे इधर आधी रोड पूरी और होती थी और उधर पानी होता था लास्ट वाले सेक्शन में, जो पेड़ दिख रहे हैं जस्ट उसके पहले। सब जगह से पूरे मोटे मोटे ये जो पत्थर आए हैं ये अभी आए हैं और इतनी मोटी मोटी चट्टान, वो देखो वहाँ चट्टान पड़ी है। पूरा क्रॉस करके निकली है ग्रीन टैक्स बैरियर वाले एरिया को, पूरा क्रॉस करके निकली है नदी यहाँ पे। ये आगे वाला बंद है, ऊपर लेना पड़ेगा पीछे वाली साइड से, सिविल हॉस्पिटल की साइड से, और वहां से नीचे उतर के मॉल रोड के पीछे वाले साइड से उतर के। भाई जैम लग गया, जैम फिर से। सो दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर यू रीच टू द एरिया विच इज नियर द मॉल रोड ऑफ मनाली। पूरा का पूरा राइट में जो वॉल्वो स्टैंड होता था पूरा उखड़ चुका है, चार पांच वॉल्वोस खड़ी हैं वहाँ पे राइट में। यहाँ से पूरी रोड कट चुकी है एंड एज यू सी रोड कटने के बाद एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया है, पत्थरों को जोड़ जोड़ के एक ट्रेल टाइप की बनाई है जिसमें से एक बारी में एक साइड का ही ट्रैफिक जा रहा है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक होता है एंड अब देखो अभी तो फिलहाल टूरिस्ट नहीं है, फिर भी नॉर्मल लोकल्स के ट्रैफिक से ही इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जैम है और बाइक भी नहीं जा पा रही। इमेजिन करो यहाँ पे अगर फुल टूरिस्ट क्राउड आ गया तो क्या होगा। अगर आप लोग अपना प्लान बना रहे हो तो सोच समझ के बनाना, ये टाइम नहीं है आने का, आओगे तो बुरा फंसोगे जैम्स में। ये अभी माइंड यू सिर्फ लोकल्स का ही ट्रैफिक है। फाइनली ये वाला पार्ट आया है जहाँ से हम निकाल सकते हैं, अब उधर का ट्रैफिक रुका है तो हमारी बारी आई है। ओ भाई मस्त ऑफ रोड बन चुका है ये। इतना खाली मनाली देख के ऐसा लग रहा है कोरोना वाले दिन वापस आ गए हैं। तो इस रोड पे तो यार गाड़ी रोकने पे चलान होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मॉल रोड की हालत देखो एकदम खाली, कोई टूरिस्ट है नहीं, लोकल्स आए हैं सिर्फ घूमने। सो अंदर से पूरा घूम घाम के वापस हमने ज्वाइन किया क्योंकि ये राइट साइड पे पूरा टूटा हुआ है हाईवे। अब हमारा प्लान ये है कि थोड़ा सा आगे जाएंगे वशिष्ठ के आगे वाला एरिया। सो ये एरिया है इंडियन ऑयल पंप के सामने जहाँ पे हम लोग यूजुअली अपना फ्यूल अप करवाते हैं बिफोर यू नो गेटिंग टू द लाहौल साइड ऑफ थिंग्स, जब हम अपने लद्दाख ट्रिप पे होते हैं। एंड यहाँ पे भी देखो लेफ्ट साइड पे रोड कटी पड़ी है, ये वाला एरिया भी देखो यहाँ पे रोड कट गई है। खत्म। ये ऐसा लग रहा है कि शायद 15-20 साल पहले आ गए हैं, इसी टाइप का होता होगा ना मनाली 15-20 साल पहले, शायद ये वाली रोड सारी ऐसी होती होंगी। दिस इज अगेन वन ऑफ दोज ग्रीन टैक्स बैरियर्स। ये वाला बच गया है, ये यहाँ पे एटलीस्ट नदी नहीं आई है इस साइड पे। ओ तेरी ये क्या है, ओ भाई क्या स्कूटी उधड़ी पड़ी है बिल्कुल, यहाँ तक पानी आ गया था क्या भाई। ये फ्लड लाइक सिचुएशन तो नहीं लग रही, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मनाली उसके अंदर घुस गया पानी। लेफ्ट साइड पे देखो आप, नदी बिल्कुल इधर से निकली है शायद, क्रेजी सीन्स। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉर जोन है या यहाँ से क्या बोलूँ अर्थक्वेक आया था कोई। भाई ये वाले पत्थर कैसे आए हैं यहाँ पे, इधर रोड होती थी वही, तो वीडियोस से पता तक नहीं लगता कि हुआ क्या है। आके देखने में जो स्केल फील हो रहा है ना इस जगह का, डैम।
1947 कैफे अंडर रिस्टोरेशन, इसका पीछे वाला एरिया पूरा बह गया है ऐसा मैंने सुना है। ये वाला एरिया होपफुली ठीक है। सो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। ओह नो, यहाँ पे भी रोड, यहाँ पे भी गई हुई है रोड। इधर एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा चिल मारेंगे। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं नेहरू कुंड के थोड़ा सा आगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से रोहतांग का असेंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक ब्रेक लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, वन वे डाइवर्जन्स, टूटी फूटी रोडें, आप लोगों ने देखा किस तरह से राइड करके आए हैं। तो वी आर जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। दिस इज़ वेयर द टाइगर इज़ पार्क्ड एंड वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी। आज बाय द वे मौसम ठीक ठाक है, ऐसा सच कोई इतनी ज़्यादा धूप वूप नहीं निकली हुई, प्लेजेंट मौसम है। तो अभी सोच रहे हैं क्या प्लान करना है। मैंने शक्ति को बोला है यार कि सिस्सू वाली साइड चलते हैं, एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि आफ्टर द फ्लड सिचुएशन सिस्सू वाली साइड नहीं गए हैं। एंड ही हैज़ सम अदर वर्क एज वेल, देखते हैं क्या प्लान बनता है। पहले आप ये बताओ आपने जाना है ऊपर? अब आज हो जाए मुकाबला, जाना है कि नहीं जाना भाई? जसवीन भाई हमारे ये हाँ 23 राइडर्स, हाँ ये ट्रैम्प इनका टाइगर 900 जो कि अभी नया चमचमाता शोरूम से निकाला है। मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 month back, 2.5 महीने हो गए भाई, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने पुरानी बाइक। ये वाला देखा है तुमने, मैंने जो लगाया है सिस्टम, ये मैं समझ गया ये लगा आप, इस पे बैग लगेगा अभी, सॉफ्ट बैग ये लगाया है जांस्कर राइड के लिए। अच्छा जांस्कर नहीं जाएंगे आप, जाएंगे हमारे साथ स्पीति। ये जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हमारे साथ है। आज हम लाइव हो रहे हैं, हम इस बाइक को उठा के ले जाएंगे स्पीति। ठीक है भाई, कब है स्पीति का? 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक हमारा जांस्कर स्पीति राइड रहेगा। तो सेम टाइम पे हमारा जांस्कर का राइड है। आपका जांस्कर हम जाने नहीं देंगे आपको, हम साथ में उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, लाइव हूँ अभी। ठीक है भाई, हम समर्पण कर देंगे, समर्पण। सीरियसली अपडेट, अब सीरियसली बता दो चलना का, जल्दी बता दो आना। सिस्सू का प्लान है, अब सिस्सू जा रहे हैं हम, पक्का है ये? नीचे करो इसको जरा। तो नाउ फाइनली हमारा डिसाइड किया, मतलब मोनोपोली है भाई, एक का दीवार चलता है, दादागिरी जल्दी। हाँ दादागिरी बाइक है तो बड़े लोग हमको धमकाते रहते हैं और ये हमको उठा के ले जा रहे हैं अभी सिस्सू। बड़े बाइक वाले की बात माननी पड़ेगी, आपका प्लान नहीं था, हम घसीट के ले जाएंगे सिस्सू। चलो सिस्सू वहाँ से रिटर्न मारेंगे फिर, ठीक है, राजमा चावल खाएंगे। चलो भाई सिस्सू जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कैसा सीन है, राइड करते हो। अभी ऊपर रोड भी बढ़िया है, ऊपर ना कोई खराब है सीन, बढ़िया एकदम, शू शाह करते हुए चलेंगे। चलो एक्सपल्स जाती हुई बढ़िया। रोड मोड पे डाल लिया हमने बाइक, रोड मोड पे, क्योंकि यहां पे है बढ़िया रोड्स और क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो राइड करने का एक अलग ही मजा आएगा। अब दिस इज द वाइब ऑफ राइडिंग, पहाड़ों के पास रहने का ये हो रहा है फायदा। जब दिल करे, बढ़िया मौसम हो, आ जाओ राइड पे और फुल मजा करो। बारिश का सीन ऐसा लग रहा है बन सकता है, देखो कब बनता है। रेन गियर हम लोगों के पास आज है नहीं। सो ये है सोलांग वैली एंड यहाँ का सीन देख लो भाई, पूरा खाली। कहाँ गए वो बॉल्स जो ऊपर से रोल होकर आती है, इसमें लोग बैठकर आते थे, पैराग्लाइडिंग, एवरीथिंग इज गॉन राइट नाउ। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कोरोना का टाइम वापस आ गया है, इतनी ज़्यादा शांति है इस जगह पे। जैम्स लगते हैं इस जगह पे, संडे इन अगस्त, यू कांट एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ पीस एट सोलांग वैली। यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई है, रुक जाना चाहिए, आई थिंक यू टर्न ले लेना चाहिए, यू टर्न ले लेते हैं, बारिश हो रही है। हाँ नहीं तो फंस जाएंगे यार, रेन गियर मेरे पास तो कुछ है नहीं। सो गाइज, जैसा आप लोगों ने देखा अभी प्लान तो हमारा सिस्सू जाने का था, बट अभी जैसे ही हम थोड़ा सा आगे ऊपर सिस्सू की तरफ पहुंचने लगे, वहाँ पे बारिश होने लगी एंड मेरे पास अभी रेन गियर है नहीं, सो आई जस्ट डिडंट वांट टू टेक द रिस्क, क्योंकि वहाँ पे ऊपर पहाड़ों में जिस तरह से जितनी जल्दी वेदर ख़राब होता है कुछ पता नहीं होता है, एंड आगे वापस आते समय अगर पूरा भीग के आना पड़ता तो यहाँ पे ठंड भी हल्की फुल्की हो रही है। आई जस्ट डिडंट वांट टू टेक द रिस्क, दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग बैक। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से सिचुएशन है अभी। अगर आप कुल्लू से मनाली आ रहे हो, अगर आपका प्लान है आने का, तो ये सारी चीज़ें ना सोच के आना, क्योंकि काफ़ी सारा जैम्स आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी चंडीगढ़ से अगर आप आ रहे हो कुल्लू तक, तो वहाँ पे पंडो और कुल्लू के बीच में, पंडो और ऑट के बीच में ऑब्वियसली थोड़ा सा ख़राब रास्ता है बट निकल रहा है, एंड फ्रॉम व्हाट आई गॉट टू नो अभी बसेस वगैरह चल रही हैं वो रायसन तक आ रही हैं। सो वॉल्वो स्टैंड जो मनाली में था वो तो अब कहीं पुरानी बात हो चुकी है, अब वो स्टैंड बन चुका है रायसन पे, एंड
वहीं तक बस आएगी, उसके बाद आपको आगे अपने आप मैनेज करना पड़ेगा। अभी मेरे को वो चीज़ क्लियर नहीं है वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को, बट दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर। सो माई एडवाइस वुड बी होल्ड ऑन टू योर प्लान्स फॉर एटलीस्ट अ मंथ, क्योंकि अगस्त में अभी ये नहीं पता कि कितनी बारिश होगी, क्योंकि अगस्त इज़ द मेन मानसून सीजन एंड अभी जो सारा फ्लड सिचुएशन हुआ था वो मानसून से पहले हो गया। सो होपफुली अब आई थिंक बारिश का कोटा खत्म हो गया। अगर अभी फिर से बारिश हुई तो ये सारी सिचुएशन जो आपने देखी है कई जगह पे जहाँ पे रोड बिल्कुल रिवर बेड के लेवल पे थी, वहाँ पे तो मुझे लग रहा है फिर से मैसिव प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पानी इजीली हल्का सा रोड का लेवल ऊंचा है पानी के लेवल से और वो रोड फिर से डूब जाएगी पानी में। सो जस्ट मॉनिटर द सिचुएशन, अगर आप जिस दिन आना चाह रहे हो, जिस हफ्ते प्लान कर कर आ रहे हो, जस्ट लुक एट द वेदर एंड देन मेक योर प्लान्स। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, वील बी राइडिंग बैक फ्रॉम हेयर टू होम। टाइम हुआ है 1:10, होपफुली मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा एंड आई थिंक दिस वॉज अ गुड संडे राइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, बाय बाय।